नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। हम द नगरी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से हर विधानसभा सीट के बनते बिगड़ते चुनावी समीकरण के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछली कड़ी में बात की थी हमने अलवर ग्रामीण के बारे में और अब बात करेंगे बागीदौरा के बारे में। यहाँ की विधानसभा सीट पर दो प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने महेंद्र सिंह मालवीय को उतारा है और बीजेपी ने कृष्णा कटारो को यहाँ से उतार दिया है। बागीदौरा अभी तक कमल नहीं खिला पाई है, यानी कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अभी तक जीत नहीं मिली है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। इस सीट से 9 बार कांग्रेस, 3 बार जनता दल और 1 बार जनता दल यू ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को हमेशा इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भाजपा इस बार हर हाल में अपना खाता यहां से खोलने की कोशिश में है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा उम्मीदवार खेमराज गरासिया को हराया था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कुल 97,638 वोट मिले थे, जबकि खेमराज गरासिया को 76,328 वोट ही मिले थे। इस विधानसभा की कुल आबादी 11,09,228 है, जिनमें से 60,144 पुरुष और 59,084 महिला आबादी है। यहाँ लगभग 2,30,277 मतदाता हैं और लगभग 19,000 नए मतदाता इसमें जुड़े हैं, जिनमें 1,16,088 पुरुष हैं और 1,13,340 महिला मतदाता हैं। आजादी के बाद से ये सीट जनजाति के लिए रिजर्व की गई है। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में, तो 1 बार सांसद, विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा आदिवासी कांग्रेस सेल के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन में भी मालवीय का लंबा अनुभव रहा है। बागीदौरा विधानसभा से लगातार 3 बार से विधायक मालवीय का कद मानगढ़ धाम में हुई राहुल गांधी की सभा के बाद बड़ा है। माना जाता है कि मेवाड़ वागड़ की विधानसभा सीटों पर टिकट वितरण में मालवीय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वही बात करें अब बीजेपी के प्रत्याशी की, तो कृष्णा कटारा लगातार 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनकर कार्य कर रही हैं। वो 2023 के लिए बागीदौरा से बीजेपी की प्रबल उम्मीदवार मानी जा रही हैं। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण जिला एवं प्रदेश स्तर पर पार्टी द्वारा बराबर मान सम्मान दिया जा रहा है। चुनावी नगरी में इतना ही, अगली बार फिर आपको लेकर चलती हूं मैं उस विधानसभा सीट पर जहां जीत का परचम फहराने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही हैं। अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार।